Sima, a past life regression therapist, tarot card reader, EFT practitioner, NLP trainer, life coach, Reiki grandmaster and angel healer. आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोटेक्शन की. प्रोटेक्शन किस से? खुद को बचाने की. हम लाइफ में अपने आप को नेगेटिविटी से घिरा पाते हैं. कभी किसी से मिलते हैं तो बहुत मन खराब हो जाता है. ऐसे लगता है हमारी सारी एनर्जी उसने ड्रेन कर दी है या हमारे अंदर की सारी जो एक पॉजिटिव चार्जेस थे ना वो निकाल दिए हैं. किसी के घर जाते हैं तो जाते तो रहने के लिए, लेकिन मन करता है एक ही दिन में चले जाओ, वहाँ रुकने का मन ही नहीं करता है. या हमारी ग्रोथ को देख के, लोगों के एक्सप्रेशन देखो तो लगता है कि दे आर नॉट हैप्पी. तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बात करते हैं ब्लैक मैजिक की, नेगेटिव एनर्जी की, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, और सबसे ज़्यादा जेलेसी क्लोज वालों को ही होती है, बाहर वालों को कोई मतलब नहीं होता है. तो जिस तरीके से हम बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी की, उसी तरीके से हमें अपने आप को नेगेटिविटी से भी बचाना चाहिए, ब्लैक मैजिक से बचाना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे टाइम सोचते रहें ब्लैक मैजिक, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया. इससे हम अपने आसपास वो एनर्जी को काफ़ी स्ट्रांग कर देते हैं. कहते हैं ना, जिधर हम अपनी ऊर्जा को लेके जाते हैं ऊर्जा उधर ही बहती है. अगर हमारे थॉट्स राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम राइट डायरेक्शन में ही काम करेंगे. अभी क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट रखें? क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है. हम देखते हैं कभी जाते हैं तो अपने ऊपर काला टीका लगा लेते हैं, छोटे बच्चे के काला टीका लगा देते थे. ये दिखने में आज हो सकता है दकियानूसी लगे, पर अगर हम पुरानी परंपरा पे जाएं और हमारी पुरानी चीज़ों को देखें तो इसका ज़रूर कोई ना कोई महत्व होगा. अगर हम देखते हैं एक वो ईविल आई होती है तो वो भी लोग लगाते हैं, तो इसका मतलब, और मेरा ये अनुभव है कि हर देश में अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है. इसलिए ये कह के कि सब बकवास है तो इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी कुछ भी नहीं है. तो अगर पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव भी होगा. और हमारा पहला फ़र्ज ये बनता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें. सबसे सुबह जब हम उठे बिस्तर से, पहले अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालें. अब प्रोटेक्शन शील्ड में कैसे डालते हैं, जो रेकी चैनल है वो जानते हैं, या आप कोई मंत्र जानते हैं तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एंजल हीलर्स भी जानते हैं कैसे प्रोटेक्ट करना है, या अपने आप को वाइट लाइट के घेरे में लेके और हम कमांड दे सकते हैं कि केवल हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए और हम प्रोटेक्टेड रहें. इतना सा करना अगर हम एक रिचुअल बना लें सुबह उठ के, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा एक पावरफुल डे सिद्ध होगा. क्योंकि जितने स्पीड ब्रेकर्स आएंगे ना हमारे काम करने में, क्योंकि हमें, अगर हम दिखाते हैं, क्या हम अपनी धन संपदा को चोरों को दिखाते हैं खोल के, अलमारी खोल के कि हमारे पास ये है? लेकिन अगर हम शो ऑफ करते हैं, अगर अपनी चीज़ें दिखाते हैं तो और ये बहुत साधारण सी बात है, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो देख के उसका मन खराब होगा ही, और वो नेगेटिव तो सोच ही सकता है कि काश मेरे पास हो. तो ये आहा वाली, काश वाली फीलिंग भी एक नेगेटिव वाइब ही देती है. तो हमें अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहिए. आज मैं बात कर रही हूँ ऐसे स्विच वर्ड की जिसको हम चैंट करें, या सुबह उठ के बिस्तर पे 28 टाइम्स चैंट करें, दिन में चैंट करें, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हम लोगों से मिल रहे हैं तब चैंट करके अपने आप को प्रोटेक्ट करें. वो है डिवाइन प्रोटेक्शन या डिवाइन शील्ड नाउ. डिवाइन शील्ड नाउ, डिवाइन शील्ड नाउ, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या हम ये भी स्विच वर्ड बोल सकते हैं, डिवाइन शील्ड मी, डिवाइन शील्ड मी, डिवाइन शील्ड मी. इसको बोल के हम चारों तरफ अपने प्रोटेक्शन कवच बना सकते हैं. और एक एंजेलिक नंबर है 6699900. ये नंबर भी हम अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे या लिख सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये बहुत ही इजी तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का. आप क्यों चाहते हैं कि आपकी जितनी ग्रोथ हो और वो आपके एनवीएस दोस्तों से, परिवार वालों से, या जो भी लोग आपके पास हैं वो आके आपकी चीज़ों को ख़राब करें? हम सोचते हैं सामने वाले को अच्छा लग रहा है, पर ज़रूरी नहीं है. कई बार हमारे बहुत क्लोज दोस्त होते हैं, अंदर से क्या फीलिंग रखते हैं हमारे लिए हमें पता नहीं है. अगर उनसे हम प्रोटेक्शन चाहते हैं तो पहले हम ब्लैक सर्कल बनाएंगे, उसके ऊपर एक वाइट सर्कल बनाएंगे, उसके बाहर एक पिंक सर्कल बनाएंगे, और इस शील्ड को हम अपने पास रखेंगे. उस सर्कल के बीच में हम डिवाइन शील्ड मी भी लिख सकते हैं, जो कि सब कैपिटल में होगा. उसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं. और एक ये क्रिस्टल है, टर्मुलिन नाम का एक क्रिस्टल है. ये भी हम नेगेटिविटी हमारी एब्जॉर्ब करता है, जितनी भी नज़र, जितनी नेगेटिविटी होती है बहुत पावरफुली लेता है. इसके आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, इसको आप अपने कमरे में रख सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है.
जैसे हम हर जगह अपनी सुरक्षा को बना के रखते हैं, इसी तरीके से जो ये सटल एनर्जीज होती हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है, और कुछ साइकिक केस होते हैं जो उसको देख भी लेते हैं, महसूस भी कर लेते हैं, आपको इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरी है अगर आप आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और रास्ते में ऐसे स्पीड ब्रेकर्स नहीं चाहिए कि आप आगे बढ़े फिर रुके, आगे बढ़े फिर रुके, अगर स्मूथ जर्नी चाहिए तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप चैंट करिए स्विच वर्ड्स को जो कि बहुत ही पावरफुल हैं, और अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो भी धर्म में आपके कुछ भी स्त्रोत्र है वो ज़रूर पढ़ के अपने आप को एक सुरक्षा घेरे में डालिए ताकि आप आगे बढ़े। ये दुनिया है एनर्जी की, हम सभी एनर्जी से बने हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए सारी एनर्जी हमारे अंदर पॉजिटिव आए, और हम भी जहाँ एनर्जी दे रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दें, अपनी ग्रोथ के लिए दें, सफलता के लिए दें, यूनिटी के लिए दें ताकि हम आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय।